हे एवरी वन वेलकम टू लाइफ साइंस पाठशाला माई नेम इज आस्था गोस्वामी एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट वैक्सीन तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि वैक्सीन होता क्या है तो डेफिनेशन देखते हैं वैक्सीन इज अ सबस्टेंस वैक्सीन इज अ सबस्टेंस दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज मतलब वैक्सीन जो है ये एक सबस्टेंस है एक सबस्टेंस है जो कि क्या करता है हमारी बॉडी को हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है जब भी कोई डिजीज़ होती है मतलब जब भी हमारी बॉडी में कोई एक भी, कोई भी बीमारी होती है हमारी या किसी के भी कोई भी एनिमल हो अगर उसके बॉडी में कोई भी बीमारी कोई भी डिजीज़ होती है तो उसके अगेंस्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करने का काम करता है ये वैक्सीन ठीक है बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है वैक्सीन और ये एक सबस्टेंस है जब हम बात करते हैं वैक्सीन की तो ये भी दिमाग में आता है कि वैक्सीनेशन क्या होता है तो देख लेते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है वैक्सीनेशन इज अ ट्रीटमेंट विच मेक्स द बॉडी स्ट्रांगर अगेंस्ट एन इन्फेक्शन मतलब वैक्सीनेशन एक ट्रीटमेंट है ठीक है तो वैक्सीन एक सबस्टेंस है जबकि वैक्सीनेशन जो है ये एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो कि क्या करता है जो कि बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाता है अगेंस्ट एन इन्फेक्शन जब भी कोई माइक्रोब अटैक करता है बॉडी पे, तो उससे इन्फेक्शन होता है ठीक है तो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी स्ट्रांग रहे इसके लिए वैक्सीनेशन किया जाता है मतलब वैक्सीन से ट्रीटमेंट किया जाता है ठीक है तो वैक्सीनेशन जो है ये एक ट्रीटमेंट प्रोसेस है और वैक्सीन जो है ये एक सबस्टेंस है ठीक अब बात करते हैं कि वैक्सीन्स के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मतलब वैक्सीन के बारे में कुछ और बातें देख लेते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट वैक्सीनेशन वॉज गिवन बाई डॉक्टर एडवर्ड जेनर ठीक है जो पहला वैक्सीनेशन दिया गया था वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने दिया था सेवनटीन नाइन्टी सिक्स में ठीक सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं वैक्सीन कंटेन अ डेड और वीकेंड वर्जन ऑफ अ माइक्रोब मतलब वैक्सीन जो होता है उसके पास किसी माइक्रोब का डेड या फिर वीकेंड वर्जन होता है डेड मतलब किसी माइक्रोब को किल करके उसको एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है या फिर किसी माइक्रोब को लाई भी रखा जाए माइक्रोब ज़िंदा हो बट उसको इतना वीक कर दिया जाए कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो ठीक है तो वैक्सीन जो होता है ये किसी माइक्रोब का या तो डेड वर्जन होता है या फिर वीकेंड वर्ज़न होता है ठीक थर्ड पॉइंट क्या है वैक्सीन हेल्थ योर इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय दी लिविंग माइक्रोब ड्यूरिंग अ फ्यूचर इन्फेक्शन वैक्सीन जो है ये हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है ठीक है तो जब भी कोई फ्यूचर इन्फेक्शन होने वाला रहता है या फिर कोई माइक्रोब जब इन्फेक्शन कॉज करता है हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या फिर वायरस कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बॉडी में जब भी कोई बीमारी या कोई इन्फेक्शन कॉज करता है तो ये जो वैक्सीन है ये रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम जो है ये ये किसी माइक्रोब जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उस माइक्रोब को ये रिकॉग्नाइज और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है ठीक है तो वैक्सीन वैक्सीन इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम किसी लिविंग माइक्रोब को जब भी कोई माइक्रोब इन्फेक्शन करता है तो उस माइक्रोब को रिकॉग्नाइज और डिस्ट्रॉय करने का काम करता है हमारा इम्यून सिस्टम जिसको हेल्प करता है वैक्सीन ठीक है लास्ट पॉइंट है अनदर वर्ड यूज्ड फॉर वैक्सीन इज इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन को हम इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं ठीक अब वैक्सीन बोलो या फिर इम्यूनाइजेशन बोलो बात एक ही है अब बात करते हैं कि वैक्सीन की टाइप क्या है वैक्सीन कितने टाइप का होता है तो मेनली वैक्सीन को फुल पार्ट में कैटेगराइज किया गया है वैसे तो कई टाइप के वैक्सीन्स होते हैं बट मेनली फुल टाइप में कैटेगराइज किया गया है वैक्सीन को फर्स्ट है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन सेकेंड है किल्ड वैक्सीन थर्ड है टॉक्साइड वैक्सीन एंड फोर्थ है सबनीट या फिर कंजुगेटेड वैक्सीन ठीक है तो अभी वन बाई वन डिस्कस करते हैं इन वैक्सीन्स के बारे में फर्स्ट है लाइव एटीन्योट वैक्सीन नाम में क्या है लाइव एटिनट वैक्सीन ठीक लाइव का मतलब नाम से पता चल रहा है कि इस टाइप का जो वैक्सीन होगा उसमें जो माइक्रोब यूज़ किया जाएगा वो लाइव होगा एटेन्यूट का मतलब वीकेंड उसको वीक कर दिया जाएगा ठीक तो डेफिनेशन इसका देखते हैं लाइव एटीन्योटेड वैक्सीन कंटेन लाइव वायरसेस दैट वीकेंड मतलब जो लाइव एटोनिवेट वैक्सीन्स होते हैं वो लाइव वायरसेस को कंटेन करते हैं जो कि वीकेंड होता है मतलब जो लाइव एटोनिवेट वैक्सीन्स बने होते हैं वो लाइव वायरसेस से बने होते हैं वायरसेस ज़िंदा रहते हैं बट वो वीकेंड होते हैं वो उनको वीक कर दिया जाता है कमज़ोर कर दिया जाता है सो दैट इट क्रिएट अ प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बट डू नाट कॉज डिजीज मतलब इनको इतना वीक कर दिया जाता है कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोटेक्ट तो कर सकते हैं बट डिजीज कॉज नहीं कर सकते ठीक है ये इतने वीक हो, हो, हो गए रहते हैं कि ये इम्यून रिस्पॉन्स को हमारे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं लेकिन इतने वीक होते हैं कि डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते कोई भी बीमारी भी नहीं कर सकते हमारे शरीर में ये अब जरा बात कर लेते हैं कि लाइव एटेनड वैक्सीन्स जो होते हैं इनमें कौन कौन से वैक्सीन्स आते हैं तो कुछ वैक्सीन्स हैं फर्स्ट है मिजलिस मॉम्स रूबेला मतलब एम एम आर कंबाइंड वैक्सीन मिजलिस मम्स रुबेला एम एम आर कम्बाइंड वैक्सीन ठीक दूसरा है पोलियो ओ पी वी मतलब औरल पोलियो वायरस पोलियो के लिए दो वैक्सीन दिए गए हैं एक है लाइव एट इनोवेटेड ओ पी दूसरा है आई पी वी जो कि इनएक्टिवेटेड होता है आगे बताऊंगी उसको मैं फिर है वेरी चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन वेरी वैक्सीन फिर आता है इन्फ्लुएंजा नोजल स्प्रे किया जाता है इन्फ्लुएंजा के लिए फिर रोटा वायरस रोटा वायरस के लिए दिया जाता है येलो फीवर के लिए ठीक है तो इन सब के लिए लाइव एटेनिवेटेड वैक्सीन्स यूज़ किए जाते हैं अब बात करते हैं दूसरे की जो कि की है कील्ड वैक्सीन नाम में क्या है कील्ड वैक्सीन मतलब इसमें जो माइक्रोब यूज़ किए जाएंगे इस टाइप का वैक्सीन बनाने के लिए वो कील्ड होंगे तो कील्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कंटेन होल बैक्टीरिया और वायरस विच हैव बीन किल्ड और स्मॉल पार्ट ऑफ बैक्टीरिया और वायरस सचेज प्रोटीन और सुगर्स मतलब जो किल्ड वैक्सीन्स होता है इनको किल्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहा जाता है कभी कभी माइक्रोव को किल कर दिया जाता है या फिर कभी कभी इनको इनएक्टिव कर दिया जाता है ठीक है तो जो कील्ड या फिर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होते हैं इनमें होल मतलब पूरा का पूरा बैक्टीरिया या फिर पूरा का पूरा वायरस ही एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है या फिर या फिर उस बैक्टीरिया या वायरस का कुछ स्मॉल पार्ट जैसे कि प्रोटीन या फिर शुगर जो उस बैक्टीरिया वायरस बैक्टीरिया या फिर वायरस में जो प्रोटीन या फिर शुगर पाए जाते हैं कभी कभी उनको एज ए कील्ड वैक्सीन यूज़ कर लेते हैं या इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या फिर कभी कभी पूरा होल बैक्टीरिया या, या फिर होल वायरस को ही एज ए वैक्सीन यूज़ कर लिया जाता है कील्ड वैक्सीन में तो कील्ड वैक्सीन में कौन कौन से वैक्सीन आते हैं इसमें आता है पोलियो अभी मैंने बताया कि पोलियो ओरल भी होता है और इनएक्टिवेटेड भी होता है ठीक है तो पोलियो लाइव एटिनिवेटेड भी होता है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में भी आता है तो इनएक्टिवेटेड में आ गया पोलियो आई पी वैक्सीन सेकेंड है हीपेटाइटिस ए थर्ड है रेबीज तो ये तीनों जो है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल हैं अब देखते हैं टॉक्साइड वैक्सीन के बारे में तो टॉक्साइड नाम में क्या है टॉक्साइड मतलब कुछ टॉक्सिन से रिलेटेड होगा ठीक है तो क्या है सम बैक्टीरिया रिलीज इज टॉक्सींस मतलब पॉइजनस प्रोटीन्स वैन अटैक द बॉडी मतलब जब भी कोई बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी पे या किसी एनिमल बॉडी पे अटैक करता है तो वो कुछ टॉक्सिनस मतलब कुछ पॉइजनस कुछ जहरीली प्रोटीन्स को रिलीज करता है हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिन कुछ पॉइजनस प्रोटीन्स रिलीज करता है सो सम वैक्सीन्स आर मेड विथ इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ दीज टॉक्सिनस मतलब ये जो टॉक्सिन बैक्टीरिया ने बॉडी में रिलीज़ किया उन्हीं टॉक्सिनस को इनएक्टिवेट करके इनएक्टिवेट करके उसका वैक्सीन बना के एज ए टॉक्सॉइड वैक्सीन यूज़ किया जाता है ठीक है तो जो बैक्टीरिया ने रिलीज किया टॉक्सिन उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है और उस इनएक्टिवेटेड वर्जन ऑफ टॉक्सिन को एज ए वैक्सीन यूज़ किया जाता है उसको टॉक्सॉइड वैक्सीन बोला जाता है दीज आर कॉल्ड टॉक्सॉइड बिकॉज दे लुक लाइक टॉक्सिन बट डू नॉट पॉइजनस मतलब ये टॉक्सॉइड इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये देखने में टॉक्सिन जैसे होते हैं बट ये पॉइजनस नहीं होते ठीक है टॉक्साइड इनको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये देखने में टॉक्सिन जैसे होते हैं बट ये पॉइजनस नहीं होते हैं क्योंकि इनको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है इस वजह से ये अब पॉइजनस नहीं रहे ठीक लास्ट वन है इट ट्रिगर रिस्पॉ स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स मतलब जो टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है ये वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है बॉडी में ठीक है तो इसका एग्जाम्पल क्या है इसमें दो दो टाइप के वैक्सीन्स आते हैं डिप्थीरिया के लिए और टिटनस के लिए मतलब ये इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन आता है कि जो टॉक्साइड वैक्सीन है उसके एग्जाम्पल क्या हैं तो डिप्थीरिया और टिटनस जो है वो टॉक्साइड वैक्सीन्स के एग्जाम्पल हैं अब बात करते हैं सब यूनिट या फिर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के नाम में क्या है सब यूनिट या फिर कॉन्जुगेटेड वैक्सीन सबिनिट का मतलब कि जाहिर सी बात है कि अगर सबनेट नाम है तो जरूर माइक्रोब का कोई सबिनट यूज़ किया जा रहा होगा पर अगर कंजुगेटेड बोला जा रहा है मतलब कुछ कंजुगेट कुछ कंबाइंड किया जा रहा होगा कुछ इससे बाइंड किया जा रहा होगा और वैक्सीन बनाया जा रहा होगा तो सबसे पहले हम सबिनिट वैक्सीन के लिए देखते हैं कि सबूनट वैक्सीन क्या होता है तो दिस टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेंट पॉलीसेक्राइड और प्रोटीन फ्रॉम दिस सरफेस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस मतलब जो सबनेट वैक्सीन होते हैं वो बने कैसे होते हैं जो सब वैक्सीन्स होते हैं ये कंटेन करते हैं पोलिसेक्राइट जो कि शुगर है या फिर प्रोटीन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस मतलब कि ये जो सबनिट वैक्सीन्स होते हैं ये पोलिसक्राइट्स या फिर प्रोटीन से बने होते हैं जो कि बैक्टीरिया या वायरस के सर्फिस पे प्रेजेंट होता है उन प्रोटीन या पोलिसक्राइट्स को यूज़ करके अगर वैक्सीन बनाया जाता है तो उसको कहते हैं सब यूनिट वैक्सीन अब बात करते हैं कि कंजुगेटेड वैक्सीन क्या होता है तो when these polysaccharides are conjugated, bind with toxin, it is called conjugated vaccine. मतलब जो bacteria या virus के surface pe polysaccharides या फिर proteins होते हैं अगर इन जनरली पॉलीसेक्राइड यूज किया जाता है तो अगर इन पॉलीसेक्राइड्स को कंजुगेट मतलब बाइंड कर दिया जाए किसी टॉक्सिन से किसी टॉक्सिक मटेरियल से किसी टॉक्सिन से अगर पॉलीसेक्राइड को कंजुगेट कर दिया जाए बाइंड कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे हम conjugated वैक्सीन ठीक है सब यूनिट वैक्सीन में कोई बैक्टीरिया या सर्फे बैक्टीरिया या वायरस के सरफेस पे जो प्रोटीन या पॉलिसक्राइट्स पाए जाते हैं उनको एज ए वैक्सीन यूज़ करते हैं और कंजुगेटेड वैक्सीन में यही पॉलीसेक्राइट या प्रोटीन जो कि सरफेस पे होते हैं बैक्टीरिया या वायरस के उनको किसी टॉक्सिन से कंजुगेट कर दिया जाता है ठीक है अब जरा हम इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से वैक्सीन्स आते हैं तो इनमें आता है हिपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन टूसिस के लिए वैक्सीन आता है इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन दिया जाता है वो सब यूनिट या फिर कंजुगेटेड वैक्सीन में आता है फिर है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया जिससे न्यूमोनिया कॉज होता है तो न्यूमोकोकल वैक्सीन यूज़ किया जाता है न्यूमोनिया के अगेंस्ट ठीक है मैनेंजोकोकल मैनजाइटिस डिजीज होता है उसके अगेंस्ट मैनेजोकोकल वैक्सीन यूज किया जाता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन यूज किया जाता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हिठ ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि सबनेट या फिर कंजुगेटेड वैक्सीन्स के कैटेगरी में आते हैं ठीक तो वैक्सीन्स का टॉपिक खत्म हो गया फिनिश हुआ अपने अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी सी एस आई आर नेट लाइफ साइंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि इन वैक्सीन से रिलेटेड है ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू सो मच